सकते। और मैं एक दुकान है ऐसी जो मैं बताऊंगा जहाँ पे ये सारा सामान मिलता है, और ये दुकान दोस्तों लुधियाने के अंदर है। देखो ये नायाब खजाना है जो आप देख रहे हो, ये वो नायाब खजाना है जो आपको पूरी दुनिया के अंदर शायद ना मिले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम आशु मलिक, मैं गोताखोर कोटला पंजाब से। तो आज हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो नायाब खजाना है। ये हज़ारों साल पुराने वो बर्तन वो चीज़ें हैं जिन्हें अंग्रेज़ों के टाइम से भी मुग़ल टाइम जो मुग़ल साम्राज्य होते थे उस टाइम का ये सारा सामान है जो मुग़ल बादशाह जो थे उस टाइम, ये सामान उस टाइम के बर्तन हैं, उस टाइम की ये सारी मूर्तियाँ घड़े ये सब चीज़ें हैं। ये देखो ये पीतल की प्रेस होगी, ये कलश हो गया, घड़ा हो गया, ये घंटा हो गया, देखो मंदिर का देखो कितना पुराना है। ये देखो मुग़ल साम्राज्य के टाइम की हथकड़ी होगी आपके सामने, जो देख रहे हो ये मुग़ल टाइम की घड़ियाँ, देखो ये सब मुग़ल साम्राज्य जो पहले मुग़लों का टाइम होता था, राजा महाराजा बादशाह होते थे उस टाइम। ये पुरानी चक्की है, ये हुक्का है, देखो ये कुंडी सोटे बट्टे, ये शेर बट्टे हैं जो शेर के जो बट्टे होते हैं, किलो पाओ किलो आधा किलो 5 किलो 2 किलो ये बट्टे शेर पाओ। ये घड़ा कलश, ये देखो ये सब वो आइटम हैं जो आज के टाइम में ये जो कलेक्शन है इकट्ठी करनी बहुत मुश्किल है। चांदी तो ये देखो चांदी के लोटे हैं, चांदी का वो है, देखो ये सब वो मतलब नायाब खजाने जिनको आप ढूंढते फिरते हो और आपको नहीं मिलते। पर मैं एक दुकान है ऐसी जो मैं बताऊंगा जहाँ पे ये सारा सामान मिलता है, और ये दुकान दोस्तों लुधियाने के अंदर है। देखो ये नायाब खजाना है जो आप देख रहे हो, ये वो नायाब खजाना है जो आपको पूरी दुनिया के अंदर शायद ना मिले। और यहाँ मुग़ल साम्राज्य से ले कर और तकरीबन सभी टाइम के जितने भी राजा महाराजा बादशाह हुए हैं उन सब के टाइम के देखो ये देवी देवता की मूर्तियाँ जो प्राचीन है बहुत। ये देखो ये पान दान वगैरह, ये देखो सब ये वो नायाब खजाने हैं। देखो ये देखो हर तरह का जो टेलीफोन वगैरह, ये देखो ये भी बट्टे हैं जो शेर बट्टे वगैरह, जो देखो हर तरह का जो बट्टे हैं चौरस बट्टे गोल बट्टे, ये देखो ये शंख पड़े हैं हर तरीके के शंख होते हैं। ये देखो ये लैंटर्न है वो जो जलती थी जो पहले मिट्टी के तेल वाली। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, देखो हर तरह के शेर पट्टे हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े शंख पड़े हैं, ये देखो और हर तरीके के बट्टे हैं जो आप देखना चाहते हो, ये सब वो नायाब खजाने हैं। अशरफियाँ हैं जो सोने में चांदी में, देखो सब अशरफियाँ हैं, देखो गोल्ड में हर वो तरह का ताला है जो मतलब अंग्रेजी टाइम का अंग्रेजी हुकूमत का होता था। तो दोस्तों ये वो बट्टे हैं जो पीतल के बट्टे पहले आप चलते थे आप देखते थे ना पीतल के बट्टे, ये वो बट्टे हैं। ये देखो कांडा है पीतल का, और ये ताजमहल है बहुत पुराने ज़माने का, और हर तरीके के देखो ये कॉइन हैं जो पैसे होते थे। देखो ये सब वो नायाब चीज़ें हैं जिनको आप देखते रहते हो लेकिन पर आपको ढूंढने से नहीं मिलती। और मैं ये जहाँ पे बताऊँगा आपको एक एड्रेस दूँगा, यहाँ हर तरह के नग नगीने हीरे जवाहरात जो भी है सोना चांदी का जो भी सामान पीतल तांबे का, ये हर तरह की करेंसी है जो पुरानी से पुरानी नवी से नवी हर तरीके की करेंसी रखते हैं, नवी पुरानी हर तरीके की करेंसी। ये देखो यहाँ इनके पास ना थैले के थैले भरे बड़े करेंसी हो गए, देखो ये पूरा स्टॉक पड़ा इनके पास, और ऐसा नहीं कि यहीं पर इनका पूरा। ये देखो दोस्तों हर तरीके के जो बट्टे हैं ना, देखो ये नहीं कि थोड़ी मात्रा के अंदर, ये फुल मात्रा के अंदर इनके पास हर तरीके के बट्टे स्ट्रोक पूरे गोडाउन के गोडाउन भरे पड़े हैं। देखो हर तरीके के, ये देखो डोलू वगैरह हर चीज़। तो दोस्तों इस तरह की सारी वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, आशु मलिक के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और ये शिमलापुरी
और गिल वाले चौक है उसके बिल्कुल नज़दीक है, गिल वाले चौक के पास ही शिमलापुरी लुधियाने के अंदर है ये। और ये देखो कितनी बड़ी दुकान है, ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सब नायाब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, जय हिंद। तो दोस्तों ये था वो नायाब खजाना जो मैं आपको दिखाना चाहता, देखो ये इस तरह के नोट सरदार जी की दुकान के ऊपर ये थे, देखो ये कितने पुराने पुराने, ये 10 का नोट है, देखो कितने बड़े टाइम का, ये देखो 20 का नोट है जो बहुत पुराने टाइम का है। तो शिमलापुरी रोड पे सरदार जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये देखो ये 100 का नोट है, देखो कितना पुराना है और कितने पुराने ज़माने का नोट है। तो ये नोट उनके पास से जो अभी हमने लिए हैं सरदार जी दुकान पर, देखो ये बहुत सी करेंसियाँ हैं, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तरह के पुराने नोट हैं, पुरानी करेंसी है, इंडिया करेंसी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, डिस्प्ले के ऊपर भी हमारा नंबर चल रहा है, ये तो डिस्प्ले के ऊपर हमारा नंबर चला, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है। तो अगर किसी को इस तरह की करेंसी या कुछ चाहिएगा मेरे भाई को, या पुरानी कोई भी नया चीज चाहिए तो मेरे संपर्क करें, देखो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हर तरह की हमारे पास करेंसी पड़ी है, देखो हर तरह की, ये देखो, ये देखो, ये करेंसी हर तरीके की, और ये कम से कम 10,000 की करेंसी है मेरे दोस्तों, ये पड़ी है, देखो ये देखो, ये वो नोट हैं जो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये 5 का नोट देखो जो लोग ढूंढते फिरते हैं, देखो ज़रा, ये देखो, ये देखो, ये वो नोट है दोस्तों जिनको आप ढूंढते रहते हो, पर हमारे पास ये हमारे एक भाई है उनके पास है, देखो ये पड़े हुए हैं सारी करेंसी। तो दोस्तों लुधियाना गिलो वाला चौक शिमलापुरी रोड है ये, यहाँ पे दुकान है और यहाँ पे ये देखो सारा सामान आपको मिल जाएगा, इतना सामान हमारे पास पड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, डिस्प्ले के ऊपर भी हमारा ये नंबर चल रहा है, हमारे संपर्क करें, हम ये चीज़ें आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अगर किसी भी मेरे भाई को चाहिए तो मेरे को फ़ोन ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करूँगा, फिर कल फिर मिलूँगा, एक बार मैं नज़दीक चला भाई, दिखा दिए एक बार ये नोट, ये देखिए दिखा दें इनको, कौन से नोट हैं, कितने पुराने नोट हैं, ये देखो कितने पुराने पुराने सिक्के हैं, देखो कितने बड़े बड़े सिक्के हैं, देखो ये 5 के 10 के, देखो ये रे, ये देखो ये दिखा दो, ये देखो नोट देखो कितने बड़े बड़े मेरे हाथ में, देखो ये कितने बड़े बड़े नोट हैं, ये देखो, ये देखो इसका नोट, ठीक है, ये देखो ये पुरानी करेंसियाँ हैं, देखो जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये अब के नहीं है, देखो ये हर तरीके का नोट हमारे पास और करेंसी ये पड़ी हुई है, देखो ये रे, ये देखो पुराने से पुराना, ये देखो किसी तरह का भी आप 2 का 1 का या कोई भी नोट मांगोगे, हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं नोट सारे, देखो हर तरीके के। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल फिर एक नई कहानी एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जय हिंद।